हेलो फ्रेंड, मैं एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो फ्रेंड आपको बता दें कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है और यह विभिन्न कॉम्पिटिशनों में पूछा जाता है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में कम्प्लीट नॉलेज देंगे और इसके एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर ज़रा देखें कि लेट कैपिटल ए बी ए मैट्रिक्स, कैपिटल ए बी ए मैट्रिक्स सच दैट, यानी कैपिटल ए एक मैट्रिक्स इस प्रकार से है कि सच दैट, इफ सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, मींस ए का वर्ग करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, देन ए इज नोन एज, देन ए इज नोन एज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स फ्रेंड, यहां पर कहना क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, मींस उस मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के साथ इंटू कर ले और हमें क्या मिल जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, उसी ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, देन ए इज नोन एज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं फ्रेंड, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है कि जिसका कि स्क्वायर करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। तो फ्रेंड, यहाँ पर इसका जो सबसे सरल एग्जाम्पल है वह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर 3 का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप इसका एग्जांपल बना सकते हैं। तो ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के एग्जांपल हैं, क्योंकि जब इनका स्क्वायर करेंगे, इनका इसी के साथ जब इनटू करेंगे तो पुनः आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। अतः फ्रेंड, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो फ्रेंड, इस तरह से आप इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स को समझ सकते हैं।